Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Subhasri and you are watching me on my YouTube channel Subhasri Vlog. तो आज का वीडियो कोई डेली व्लॉग नहीं है, क्योंकि आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है. मैंने आपके लिए कुछ अलग सोच के रखा है. बहुत पहले से ही मैंने एक्चुअली ये सोचा था कि ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. वो है मेरा जो हैंडबैग कलेक्शन है उसका वीडियो. एक्चुअली सारे हैंडबैग्स नहीं हैं, बस थोड़ा सा ही हैंडबैग्स मैं आपको दिखाऊंगी जो कि बहुत ही एफोर्डेबल है, बहुत ही कम दाम में है, अंडर 300 रुपीज़ मेरे पास कौन से हैंडबैग है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. क्योंकि हर कोई तो ब्रांडेड बैग्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम जो फैंसी आइटम होता है मार्केट में मिलता है 300-400-500 रुपये में भी बहुत सारे बहुत वैरायटी के हैंडबैग्स मिलते हैं, जिसको हम हमारे साड़ी के साथ या फिर ड्रेस के साथ पेयर कर सकते हैं. तो उनमें से मैंने भी कुछ ख़रीदा है और मेरे पास एक्चुअली किस टाइप के बैग्स हैं, किस टाइप के हैंडबैग्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. लेकिन मैं आपको सारा हैंडबैग्स नहीं दिखाऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. बस 5-6 या 7 मैक्सिमम इतना ही मैं आपको दिखाऊंगी. और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ही कम दाम में मैंने ये परचेस किया है. और कुछ कुछ हैंडबैग्स हैं जो कि मुझे गिफ्ट में भी मिला था. मैं आपको बताऊंगी कौन सा मुझे गिफ्ट में मिला था और कौन सा मैंने खुद से परचेस किया है, कहाँ से परचेस किया है. लेकिन आई थिंक मैं आज आपको जो भी हैंडबैग्स दिखाऊंगी उनमें से कुछ भी ऑनलाइन नहीं है, बहुत सारे ऑफलाइन ही हैं. मतलब लोकल कहीं मार्केट से या फिर मैं कहीं गई हूँ घूमने के लिए, वहाँ से मैंने ऐसे कुछ खरीदा है वो मैं आपको दिखाऊंगी. तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो सबसे पहले जो मेरे पास पर्स है वो है ये. बहुत ही छोटा सा है, मतलब मोबाइल तो आराम से आ जाएगा. उसको ओपन करने के लिए ऐसे है एक क्लिप जैसा, फिर चेन खोलने के बाद इसके अंदर ऐसा है. इसके अंदर भी एक छोटा सा चेन है और ये एक पॉकेट, ये एक पॉकेट और ये एक पॉकेट. 3 पॉकेट है और एक चेन है. इसके अंदर कुछ बॉटम है शायद. और इसके अंदर आराम से आपका मोबाइल आ जाएगा, पैसा आप रख सकते हो, आराम से आ जाएगा. और फिर उसको बंद करके ये रहा उसका क्लिप. तो इसका प्राइस है ओनली एंड ओनली 200 रुपीज़. और मैंने ये यहाँ पे मतलब बारीपदा में रथ यात्रा मेला होता है वहाँ से मैंने परचेज किया है 200 रुपीज़ में. और मैं ये साड़ी के साथ लेके जाती हूँ, ब्लैक कलर साड़ी के साथ लेके जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये. सो अब मेरा सेकेंड पर्स जो है वो है ये. बहुत ही छोटू सा है, इसके अंदर आपका मोबाइल, अगर छोटा मोबाइल होगा तो ही आएगा, अगर थोड़ा सा बड़ा मोबाइल होगा तो इसके अंदर नहीं आएगा. इसके अंदर ऐसा है, यहाँ पे आप आराम से और कुछ सामान रख सकते हो मोबाइल के अलावा आपका, मतलब तब पैसा रख सकते हो या फिर कुछ भी कॉस्मेटिक्स, छोटा मोटा लिपस्टिक वगैरह और छोटा मिरर ये सब रख सकते हो. और इसका वर्क मैं आपको दिखा देती हूँ पास से, देखिए इतना अच्छा हुआ. मुझे ये बहुत पसंद आया था. और इसको बंद करने के लिए एक्चुअली इसका कुछ जिप वगैरह नहीं है, साइड में ऐसे डोर को खींचने से ये बंद होता है. और इसका हैंडल ये है, इसका हैंडल ये है. मुझे बहुत पसंद आया था. और इसका प्राइस आप सुनोगे तो आप बिलीव भी नहीं करोगे कि इसका प्राइस इतना कम. ये ओनली मुझे 90 रुपीज़ में मिला था, ओनली 90 रुपीज़ में. और ये मैंने लिया था पूरी से, पूरी जब हम गए थे घूमने के लिए तो वहाँ से मैंने लिया था. मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इतना क्यूट लगा था ना. और इसका प्राइस सुन के तो मैंने इसको फटाफट ले लिया. और इसको मैं कैरी करती हूँ साड़ी के साथ भी और ड्रेस के साथ. अब मेरा थर्ड पर्स जो है वो है ये. ये पर्पल कलर का है, मैग्नेट से चिपका हुआ होता है और उसके अंदर ऐसा टिशू है. इसके अंदर ऐसा है और बीच में है ये चेन को बंद करके ये दोनों साइड पे ऐसे मैग्नेट लगा हुआ है. और उसको बंद करने के बाद ये है हैंडल. इसका प्राइस मैं नहीं जानती क्योंकि ये मुझे गिफ्ट में मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगता है.
और इसको भी मैं बहुत साड़ी के साथ एंड ड्रेस के साथ कैरी करती हूँ। अब मेरा जो नेक्स्ट पर्स है वो एक्चुअली एक स्लिंग बैग है, ये वाला स्लिंग बैग है, ये वाला स्लिंग बैग है। और इसको ओपन करने के बाद अंदर इसका 1, 2 and 3 तीन जगह है रखने के लिए। आप यहाँ पे आराम से मोबाइल पैसा कुछ भी रखोगे आराम से आ जाएगा। और इसका ये चेन भी है, चेन को लॉक करने के बाद उसको बंद करना होता है। ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये स्पेशली मैं ड्रेस के साथ मतलब कुर्ती लेगिंग्स या फिर जीन्स के साथ इसको मैं लेके जाती हूँ। लेकिन इसका प्राइस मैं नहीं जानती क्योंकि ये मुझे गिफ्ट में मिला था। ये मेरे एक्चुअली ससुर और काकी साहब जो है वो गए थे, कहाँ पर गए थे, हाँ सिंगापुर गए थे, तो वहाँ से लेकर आए थे। मुझे ये बहुत पसंद है। अब जो मेरा पर्स है वो भी एक स्लिंग बैग ही है, ऐसा वाला स्लिंग बैग है। लेकिन मैं इसको ज़्यादा कैरी नहीं करती क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा चीज है। तो इसको मैं ज़्यादा कैरी नहीं करती क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही जगह है रखने के लिए और चेन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो चांसेस ज़्यादा होता है कि अगर आप कुछ भी चीज़ रखोगे तो गिर जाएगा बाहर नीचे कहीं भी और पता भी नहीं चलेगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा कैरी नहीं करती। कभी कभी कहीं पे लेके जाती हूँ, अगर तुरंत मुझे लौट आना होता है तो मैं लेके जाती हूँ। लेकिन ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये सामने ये स्टोन्स ही लगा हुआ है, सारा स्टोन्स है। और इसका प्राइस, ये मैंने यही लोकल मार्केट से ख़रीदा था और इसका प्राइस आई थिंक 220 या 240 ऐसे था, मतलब 250 के अंदर ही था ये पर्स, स्लिंग बैग, पर्सनली स्लिंग बैग सॉरी। नेक्स्ट जो मेरे पास पर्स है वो है ये, ये ट्रेडिशनल टाइप का पर्स है और यहाँ पे थ्रेड से थ्रेड वर्क किया गया है एलिफेंट का। और ये मैंने परचेज नहीं किया था, ये मुझे गिफ्ट में मिला था और मुझे ये दिए थे मेरी मम्मी ने। तो इसका प्राइस मैं नहीं जानती लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका एक चेन है यहाँ से लेके यहाँ तक चेन, फिर इसके अंदर ये वन, ये फिर चेन, फिर एक रखने के लिए जगह, फिर चेन, फिर मतलब 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 जगह है। यहाँ पे आप आराम से मोबाइल भी रख सकते हो, पैसा भी रख सकते हो और सिक्योर है क्योंकि चेन है, चेन बंद कर देने से और कुछ भी सामान नहीं गिरेगा। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का है तो मैं ये साड़ी के साथ ही लेके जाती हूँ कहीं पे भी। और क्योंकि ये मल्टी कलर है तो ये बहुत सारे साड़ियों के साथ चल जाता है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है क्योंकि ये मल्टी कलर है। नेक्स्ट मेरे पास जो पर्स है वो है ये, गोल्डन कलर का है और मैक्सिमम हम जो भी आजकल देख रहे हैं कि ड्रेस हो या साड़ी वो गोल्डन कलर का टच रहता ही है, तो इसलिए मैं इसको बहुत सारे साड़ी के साथ और ड्रेस के साथ कैरी करके ले जा सकती हूँ, मतलब लेती हूँ। और ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया था, इसके अंदर ये मैगनेट, दो मैगनेट है, बीच में ये छोटा सा चेन है, ज़्यादा स्पेस नहीं है लेकिन मोबाइल वगैरह मैं रख सकती हूँ। और इसको भी मैं लोकल मार्केट से, नहीं लोकल मार्केट नहीं, इसको एक्चुअली मैं वही रथ यात्रा के मेला से ही ख़रीदा था मैंने। और इसका प्राइस आई थिंक 150 था, हाँ 150 ही था। और कैरी करने में भी इजी है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं ये लेके जाती हूँ कहीं पे भी जाती हूँ। तो गोल्डन कलर का टच है ना तो बहुत सारे साड़ियों के साथ ये चल जाता है। उसी टाइप का और एक बैग है जो कि मुझे ये गिफ्ट में मिला था, तो इसका प्राइस मैं नहीं जानती लेकिन ये भी गोल्डन कलर का ही है। और यहाँ पे ये सीक्वेंस वर्क है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गोल्डन कलर का अगेन है तो गोल्डन कलर साड़ी के साथ ड्रेस के साथ ये चल जाता है। और उसके अंदर रखने के लिए स्पेस, ये एक बीच में एक चेन है और दो साइड ऐसे खाली है, तो आप जो भी सामान रख सकते हो, मोबाइल तो आराम से आ जाएगा, बहुत लंबा है, और पैसा भी रख सकते हो, मतलब मैं रख सकती हूँ, आप नहीं, मैं रख सकती हूँ पैसा। तो ये इसका प्राइस मुझे एक्चुअली नहीं पता क्योंकि ये मुझे गिफ्ट में मिला था, तो लेकिन आई थिंक ये भी 300 के अंदर ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये था मेरा आज का अफोर्डेबल हैंडबैग्स कलेक्शन, सारा नहीं है, थोड़ा बहुत ही 7-8 साइज मैंने आपको दिखाया। सब कुछ दिखाऊंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बस इतना ही आज मैं दिखाऊंगी आपको। और सारे ही अंडर 300 प्राइस के हैं, आई होप
होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये जो कलेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये हैंडबैग कलेक्शन कैसा लगा। और अगर आप सब मेरा कुछ और कलेक्शन देखना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। और इन सारे हैंडबैग्स में से आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरा जो चॉइस है वो कैसा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे।